कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ सावधान रहो। एबीपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अफवाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ से पर्याप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है, यानी सफाई रखें, सेहतमंद रहें। जी हाँ, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना काल है ये और गौतम बुद्ध नगर के नए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इसमें चार्ज संभाल लिया है। सुबह 5 बजे ही वो दफ्तर पहुंचे और पदभार ग्रहण किया और अब से कुछ ही देर में उन्होंने जिले के तमाम अधिकारियों की एक मीटिंग भी बुलाई है। आपको बता दें कि कल सीएम के नोएडा आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पुराने डीएम बीएन सिंह को फटकार भी लगाई थी, क्योंकि नोएडा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे थे और इसके बाद डीएम ने छुट्टी मांगी और फिर तो उनकी छुट्टी ही कर दी गई और उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें लखनऊ राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया। साथ ही उन पर जांच भी बिठा दी गई और अब सुहास एलवाई को नोएडा का नया डीएम नियुक्त किया गया है। ऐसे सुबह 5 बजे चार्ज लेने पहुंचे सुहास एलवाई नोएडा के नए जिलाधिकारी। नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने पदभार संभालते ही एक्शन लेना भी शुरू कर दिया और सबसे पहला एक्शन उन्होंने नोएडा के सेक्टर 135 में स्थित सीज फायर कंपनी के खिलाफ लिया। डीएम के आदेश के बाद सीज फायर कंपनी सीज कर दी गई है, क्योंकि कंपनी पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप है। असल में इस कंपनी के मालिक और कई कर्मचारी विदेश गए थे, जो लौटने के बाद मालिक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इससे अधिकारियों को कोरोना हुआ और उससे उनके परिवारों में कोरोना संक्रमित हो गया और इसी के चलते डीएम ने सीज फायर कंपनी को सीज कर दिया। सीज फायर कंपनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके कई कर्मचारियों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ मालिक के बाद और इसीलिए इसके ही संक्रमण पर मुख्यमंत्री ने कल क्लास ली थी बीएन सिंह की। और असल में नोएडा के उसी सीज फायर कंपनी में बरेली का भी एक कर्मचारी काम करता था, जो अपने अधिकारियों के संपर्क में आने के बाद कोरोना पीड़ित हो गया और उसे पूरे परिवार को कोरोना हो गया। शख्स ने जानते हुए भी कि उसे कोरोना हो गया है अपने घर गया और परिवार के 5 और सदस्यों को यह वायरस दे दिया। बाद में परिवार के सभी लोगों का टेस्ट किया गया, इसमें सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब सभी लोगों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर्स की टीम उन पर निगाह रखे हुए है। इस पूरे परिवार के चलते बरेली में कुल 6 पॉजिटिव मामले हो गए हैं और अब स्वास्थ्य विभाग उन लोगों की भी तलाश कर रहा है जो इनके संपर्क में थे। पूरा मामला आपको एक बार हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये हुआ क्या है। कर्मचारी ने कंपनी के कर्मचारी को कोरोना संक्रमण हुआ, उसके बाद वो अपने परिवार के पास गया, परिवार के लोगों को हो गया। इस कर्मचारी को उसके बॉस से कोरोना संक्रमण मिला था और इसी लापरवाही पर सीज फायर कंपनी को सीज किया गया है और इसी मामले में कल नोएडा के डीएम हटाए गए थे। ये है सारा मामला। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ था, सीधा कनेक्ट है। अविनाश, आप ये जो एक्शन कल हुआ है और आज हुआ है, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है और ये साबित करता है कि प्रशासनिक स्तर पर भी और कंपनियों के स्तर पर भी लापरवाही हुई है और ये बहुत बड़ा खतरा है।
बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो भारत में अब तक जितने भी केस निकले हैं उनमें से कई लापरवाही की वजह से ही बाहर निकल कर आए हैं। अगर बात करें इसी कंपनी की नोएडा में जो सीज फायर कंपनी है सेक्टर 135 में, इसके जो मालिक हैं वो लंदन से आते हैं और इसके बाद वो तमाम सारे जो कंपनी के लोग हैं उनके साथ वो बैठक करते हैं और बैठक में ही 11 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि जब बैठक करते हैं वो, जब वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं तभी उनको क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया था कि आप एयरपोर्ट से जैसे वो बाहर निकलते हैं उनको तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेकअप के बाद कहा था कि आप 14 दिन तक खुद को आइसोलेट करिएगा और बाहर ना निकलिएगा। इसके बावजूद वो नियमों को उल्लंघन करते हुए अपनी कंपनी पहुंचते हैं और वहां पे बैठक लेते हैं तमाम सारे कर्मचारियों की, जिसमें 11 लोगों को कुल कोरोना हो जाता है और फिर वो 11 लोग अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं और ये संख्या बढ़कर 19 हो जाती है। उसी में से एक कर्मचारी जिसको कोरोना पॉजिटिव हो गया था वो बरेली अपने घर गया और वहां पे गया, उनके घर वालों को भी हो गया जिसकी संख्या 5 है। तो ये पूरी कहीं ना कहीं एक जो चेन है, जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का चेन है, वो शुरू हो गया। और जाहिर तौर से बात है कि इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त थे और जब इस तरीके से नोएडा में एक के बाद एक केस बढ़ रहे थे तो मुख्यमंत्री ने खुद नोएडा आकर इस पूरे केस की जानकारी लेना चाहा और जब कल नोएडा वो पहुंचे तो उन्होंने तमाम सारी चीजों की तफसील से जानकारी ली कि कैसे यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे ये चेन बढ़ रही है। जब उन्होंने पाया कि अधिकारियों के स्तर पर लापरवाही हुई है तभी उन्होंने नोएडा डीएम को फटकार लगाई, जिसका कि वीडियो वायरल भी हो रहा है। और इसके बाद फिर नोएडा के डीएम ने छुट्टी मांगी, जिसके बाद उनको हटाकर नए डीएम की नियुक्ति की गई है। तो जाहिर तौर से बात है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर लापरवाही बिल्कुल स्पष्ट देखी गई, तभी नोएडा में सबसे ज्यादा संख्या आई है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी अविनाश, ये बताइए कि आज जो अभी सुबह 10 बजे मीटिंग की खबर थी नोएडा के नए जिलाधिकारी के द्वारा तमाम अधिकारियों के साथ, उसमें भी क्या कोई संकेत है या कोई रिपोर्ट है आपके पास किसी और बड़े एक्शन का? जैसे कि फिलहाल जो कंपनी है सीज फायर कंपनी, उसको सीज कर दिया गया, उसके खिलाफ केस भी किया गया, मालिक के खिलाफ केस किया गया है। जो नया कोविड एक्ट आया उसके खिलाफ केस किया गया है। मालिक को अब जो कि अभी कोविड पे जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है वो जैसे स्वस्थ होंगे उनको फिर हिरासत में लिया जाएगा, उनसे आगे भी जो है कड़ाई की जाएगी उनके साथ। और जो तमाम कर्मचारी है सारे कर्मचारियों को आइसोलेट कर दिया गया, जितने भी उस कंपनी में काम करते थे सभी को आइसोलेट कर दिया गया। इसके अलावा जो लोग भी जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने जिन जिन से मुलाकात की थी उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको आइसोलेट करने का काम किया जा रहा है क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है। और नए डीएम आज पहुंचे वो तमाम सारे अधिकारियों के साथ बैठक के लिए कर रहे हैं कितने संख्या में यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव है और वो किन किन लोगों से मिले हैं, कैसे उन लोगों को आइसोलेट किया गया है और आगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो इसके लिए खास तौर पर एहतियात बरता जा रहा है। नोएडा के अंदर पीएसी और आरएएफ भी लगा दी गई है कि किसी भी प्रकार से कोई नियमों को उल्लंघन न करने पर जिसको बहुत ही जरूरत हो वही केवल घर से बाहर निकलेगा, खासतौर से जो मेडिकल जिसको फैसिलिटीज चाहिए वो निकल सकता है और इसके अलावा रोजमर्रा सामान लेने के लिए 1 से 2 घंटे की छूट दी जा रही है। इसके अलावा अब नोएडा में कड़ाई से सख्ती की जा रही है कि जिससे कि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन नोएडा में ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। चूंकि मुख्यमंत्री को गाजियाबाद जाना है तो उस पर भी हम आपसे लगातार आगे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर पर बड़ी खबर है। एसजीपीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर आर के धीमान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कनिका कपूर की हालत फिलहाल स्थिर है और बेहतर हो रही है, वो आराम से खाना खा पी रही है। निदेशक ने स्वास्थ्य की अफवाह को लेकर खंडन भी किया है। स्पष्ट उन्होंने किया है कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही थी कि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन इसके उलट उनकी स्थिति बेहतर हो रही है, वो आराम से खा पी रही हैं। ये स्पष्ट किया है एसजीपीजीआई के डायरेक्टर आर के धीमान ने। बड़ा पेट कनिका कपूर से जुड़ा हुआ अफवाह बताया है उन्होंने कनिका कपूर के स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर को और साफ किया है कि वो बेहतर हो रही है, आराम से खाना खा पी रही हैं कनिका कपूर। ये खुद स्पष्ट किया है एसजीपीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर आर के धीमान ने। कनिका की हालत स्थिर और बेहतर है, ये कहना है डॉक्टर आर के धीमान का, जो कि निदेशक हैं एसजीपीजीआई के। किस्म किस्म की खबरें बाहर आ रही थी कनिका के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उनके स्वास्थ्य गिरने की खबर भी बाहर आई और इसी का खंडन किया है एसजीपीजीआई के डायरेक्टर ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़े हुए हैं। शैलेश, और क्या कहा एसजीपीजीआई के डायरेक्टर ने?
देखिए फिलहाल राजेंद्र, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि लगातार कनिका कपूर को लेकर जब से वो पीजीआई में भर्ती है कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हालात ये हो गए कि जिस समय तक उनकी तीसरी रिपोर्ट भी नहीं आई थी, वहीं कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि उनकी चौथी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। बहरहाल अभी तक की अगर स्थिति की बात करें तो कल शाम को कनिका कपूर की चौथी रिपोर्ट आई थी, वो पॉजिटिव निकली है। और उसके बाद अब जो डायरेक्टर है पीजीआई के, उन्होंने ये कहा कि रिपोर्ट भले ही पॉजिटिव आई है चौथी, लेकिन जो उनकी हालत है उसमें सुधार दिख रहा है। फिलहाल कोई भी रोग के लक्षण उनमें नजर नहीं आ रहे हैं। कनिका कपूर में हालत स्थिर है और नॉर्मल, जैसे बाकी लोग खाना खाते हैं उसी तरह साधारण तरीके से वो खाना भी खा रही है। फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो अफवाहें चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, वायरल हो, लेकिन स्वास्थ्य काफी चिंताजनक है। उनका खंडन किया सीधे तौर पर डायरेक्टर ने। बहुत धन्यवाद आपका शरीश। और यूपी में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इसको लेकर सूबे के मुखिया भी चिंतित हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री आज खुद इन जिलों के दौरे पर भी पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले सीएम मेरठ पहुंचेंगे, उसके बाद गाजियाबाद आएंगे, फिर आगरा के लिए रवाना होंगे। लिहाजा इन तीनों ही जिलों में सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सबसे पहले आपको गाजियाबाद की हम यहां से निकल चुके तस्वीरें दिखाते हैं, वहां पर क्या दौरे पे गाजियाबाद आ रहे हैं। उनका सबसे पहला पड़ाव जो है ये संकोच अस्पताल होगा। ये एक निजी अस्पताल है, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन ने इसे अधिग्रहण कर लिया है कोरोना के मरीज के लिए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जाएंगे कम्युनिटी सेंटर जो नेहरू नगर में बनाया गया है। आपको बता दें कि खुद राजधानी लखनऊ में भी कम्युनिटी किचन जो है उसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे। उसके बाद वो जिला मुख्यालय पहुंचेंगे जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है कोरोना के लिए। मुख्यमंत्री गाजियाबाद रहेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से तेवर मुख्यमंत्री ने नोएडा में दिखाए थे, उसके बाद प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस समय कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री मेरठ पहुंचेंगे सबसे पहले और अब से कुछ ही देर में उनके पहुंचने की संभावना है। पहुंचकर सबसे पहले अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और अस्पतालों का दौरा भी कर सकते हैं। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी पूरी कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मेरठ प्रशासन की तरफ से दी गई दलीलों से मुख्यमंत्री संतुष्ट होते हैं या कोई और स्थिति बनती है। खबरें और भी हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। कोरोना काल में शासन और प्रशासन अपने स्तर से लोगों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। लोग घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए कंट्रोल रूम की सेवा शुरू की गई है और इसके जरिए फोन करके लोग जरूरत का सामान अपने घरों पर मंगवा सकते हैं। लेकिन रामपुर के लोगों के लिए यह कवायद भी मजाक बन गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उन्हें सबक सिखाई दिया है। पान खाने वाले पान हो गए भाई। खाने भैया कहाँ से बात कर रहे हैं? रामपुर से। तो ये भैया पान खाने वाले की इतनी इमरजेंसी किस चीज में है? ये भाई जैसे दुकानों पर पान बिकते हैं उसका वगैरह ये सब चीजें भी दिखती है। इसकी पान जो देना पान चाहिए थे पेपर में से उठाया था नंबर, जिस चीज की जरूरत इस नंबर पर कॉल करें। भैया जो उस चीज में आप लोग कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आपको आवश्यक जरूरत वस्तुओं की जरूरत है, उस टाइम में पान की ज्यादा जरूरत है। अभी भी एक चीज है खाने की, मतलब खाने की चीज़ें, पान खाना आपके पान के बिना गुजारा नहीं हो पाएगा। अरे हमारे लिए तो खाने की ज़्यादा जरूरी है। अच्छा चलिए ठीक है, कि मैं आपको अभी प्रशासन जी। ओ भाई साहब जी बताइए, क्या पानों के लिए कोई व्यवस्था है? नहीं आपकी व्यवस्था, मैं आपसे ये कह रहा हूँ पेट भरने की चीज़ें आपको जो कंट्रोल रूम का नंबर दिए गए हैं, या आपको चिट्ठी दी गई कि आप पान मंगाएंगे या कुछ और मंगाएंगे? तो मंगाएंगे नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर व्यवस्था है तो फिर बात करें। ये जो बातचीत आपने सुनी ये रामपुर की वो जनता है जिसे कोरोना वायरस की महामारी के बीच लॉकडाउन में भी मजाक सूझ रहा है। लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद हैं, ऐसे में प्रशासन ने व्यवस्था की है कि कंट्रोल रूम पर फोन करो और अपनी जरूरत का सामान बताओ, संभव होगा तो वो सामान आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
लेकिन प्रशासन की इसी कवायद को रामपुर के लोगों ने एक मजाक बना दिया है। ये वो बाप बेटे थे जिन्हें खाने की किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा पान प्यारा है, लेकिन एक जनाब और हैं जिन्होंने कंट्रोल रूम फोन करके अपनी मंशा जाहिर की। ये जो हाथ में झाड़ू लेकर नाले की सफाई करते हुए इन भाई साहब को आप देख रहे हैं, ये समोसे के बहुत बड़े शौकीन हैं। लॉकडाउन में भी इन्हें समोसे की ऐसी भूख जगी कि इन्होंने भी कंट्रोल रूम फोन घुमा दिया और चार समोसे मांग लिए। बस फिर क्या था, प्रशासनिक अधिकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और रात ही में लोकेशन ट्रेस करके पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए ऐसे शरारती तत्वों को सबक सिखाने के लिए। गंभीर हालातों में सबक के तौर पर इनसे नाले की सफाई करवाई गई। इसके बाद रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी कि सारे मेडिकल शॉप्स लोगों को घरों पे दवाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए हमें वॉलंटियर्स उतारना पड़ रहा है। तो अभी जो पहुंचा रहा है उससे कोई कह रहा है दो डिस्प्रिन की गोली लेते आना या एस्पिरिन की गोली लेते आना या एक विक्स 500 लेते आओ, ये सर्वथा गलत है। एक गोली दो गोली, किसी एक ने मांगा कि एक नमक की का पैकेट एक किलो का लेते आओ, ये सर्वथा गलत है, दुरुपयोग ना करें। एक ने कंट्रोल रूम फोन करके कहा कि पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, अगर इस तरीके की हरकतें हुई तो निश्चित रूप से उनको हमें पनिशमेंट देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये वार्निंग है, ये चेतावनी है, सबको दे दिया जा रहा है, गलत इसका इस्तेमाल न करें, स्थिति की गंभीरता को समझें। कम से कम देश और समाज की सेवा इस तरीके से तो कर ही दें कि जो हमारी मदद नहीं कर पा रहा है कम से कम इस समय शांत बैठे। ये मजाक का समय नहीं है, आप घरों पे खाली बैठे, हमारे लोग खाली नहीं बैठे हैं, हम जोखिम लेके लोगों तक पहुंच रहे हैं, लगातार अपने लोगों को लगाए हुए हैं, दिन रात हमारी टीम लगी हुई है, तो उसको कम से कम अप्रिशिएट करें। रामपुर जिला प्रशासन ने कोरोना संकट में लोगों को जरूरी वस्तुएं जैसे दवा और राशन की घर घर आपूर्ति के लिए कंट्रोल रूम की शुरुआत की, लेकिन शरारती तत्व यहां भी अपनी करतूत से बाज नहीं आए। रामपुर का प्रशासन आजीज आ गया था कंट्रोल रूम में आ रही बेवजह की फोन कॉल को रिसीव करते करते। ऐसे में इन लोगों को ये जरा भी अंदेशा नहीं कि ये अपने मजे के लिए कितने जरूरतमंद लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने लोगों से ऐसे दौर में हंसी मजाक नहीं करने की अपील की है और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि ये वक्त लोगों की मदद का है। आप अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रशासन के लोगों को तो मजबूरों की मदद करने दीजिए। उबैदुर रहमान, रामपुर, एबीपी गंगा। इस बुलेटिन में इतना ही। एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए, आपके दोस्त रिश्तेदार जो अभी तक एबीपी गंगा नहीं देख पा रहे थे उनको बताएं कि अब ये उपलब्ध है फ्री डिश पर, मुफ्त में आप देख सकते हैं अपना पसंदीदा चैनल एबीपी गंगा, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलती हैं खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं और जिनका अंदाज होता है बिल्कुल आपकी जुबान में, और इसीलिए हमारा मूल मंत्र है खबर आपकी जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।